हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2020 के शेड्यूल और इसकी स्टार्टिंग डेट को लेकर बीसीसीआई के सामने काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, और ऐसे ही एक और दिक्कत अब बीसीसीआई के सामने आ चुकी है, जहां पर श्रीलंका की ओर से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आईपीएल की होस्ट को लेकर आ चुका है। तो गाइज, क्या है ये बड़ा स्टेटमेंट, यही सब बातें मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा बिल्कुल लास्ट तक। और उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब कुछ दिन पहले श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड की साइट से, जिसमें कि समसी सिल्वा उनके हेड हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट बीसीसीआई को दिया था, एक ऑफिशियल प्रपोजल उन्होंने बीसीसीआई को दिया था, जहां पर ये बोला गया था कि अगर बीसीसीआई चाहती है कि आईपीएल 2020 का आयोजन कहीं पर किया जा सके और उन्हें अप्रोप्रिएट ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो वो श्रीलंका को कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 3 स्टेडियम की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपी थी और कहा था कि इन 3 स्टेडियम में बीसीसीआई आराम से आईपीएल करा सकती है जब भी उनकी मर्जी हो। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो पैनिडेमिक अभी चल रहा है उसके केसेस श्रीलंका में सिर्फ 200 हैं और वो बहुत जल्दी खत्म होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो ऐसे में श्रीलंका वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज होने वाला है जो कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन से सबसे पहले बाहर आ जाएगा। तो ऐसे में बीसीसीआई अगर चाहे तो सारे इंडियन और फॉरेन प्लेयर्स को लाकर आईपीएल 2020 का आयोजन करा सकती है श्रीलंका में। उसके बाद बीसीसीआई की साइड से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी कि हम आईपीएल 2020 को श्रीलंका में नहीं कराना चाहते, लेकिन उसके बाद भी बीसीसीआई पूरी तरीके से मना नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने आपको बोला था ऑप्शंस बीसीसीआई खुला रखना चाह रही है और आईपीएल किसी भी कीमत पर कराने के लिए श्रीलंका के ऑप्शन को भी खुला रखना बीसीसीआई के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। लेकिन गाइज, अब फाइनली श्रीलंका की साइड से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, जहां पर मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका के क्रिकेट में उनका काफी ज्यादा योगदान है और कहीं ना कहीं वो यहां पर आईपीएल 2020 को श्रीलंका में कराने के ऊपर बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उन्होंने कहा, हालांकि श्रीलंका ने एक ऑफर तो बीसीसीआई को दे दिया है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि श्रीलंका हालांकि इस लॉकडाउन की सिचुएशन से बहुत जल्दी उबर जाएगा, लेकिन आईपीएल 2020 अगर श्रीलंका में होता है तो उसके लिए फॉरेन के प्लेयर्स को भी श्रीलंका आना पड़ेगा, फिर उनको सैनिटाइज किया जाएगा, फिर उनको टेस्ट किया जाएगा, इसके साथ ही फिर उनके रहने के लिए अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स करने होंगे। तो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि आईपीएल 2020 सिर्फ इसी वजह से नहीं कराना चाहिए कि वो श्रीलंका में अप्रोप्रिएट कंडीशंस हैं, श्रीलंका ठीक जगह है तो वहां पर आईपीएल करा दिया जाए। बीसीसीआई को वेट करना चाहिए कि ना सिर्फ श्रीलंका में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर लॉकडाउन की सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक हो जाए, उसके बाद ही आईपीएल 2020 को कंसिडर किया जाना चाहिए। तो एक तरह से श्रीलंका के बोर्ड के हाथ आगे बढ़ाने के बाद मुरलीधरन के स्टेटमेंट की वजह से अब ये बात लगभग तय हो चुकी है कि श्रीलंका में आईपीएल 2020 का आयोजन बीसीसीआई नहीं करवा पाएगी। और गाइज, रही बात ऑस्ट्रेलिया के प्लान की, तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से साइमन कैटिच, माइक हैसन और कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो पहले ही इस बात की वकालत कर चुके हैं कि आईपीएल 2020 को ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट किया जाना चाहिए, लेकिन वो भी प्रैक्टिकली काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हालात सबसे ज्यादा खराब चल रहे हैं, वर्ल्ड कप की मेजबानी भी खतरे में है। तो ऐसे में बीसीसीआई के सामने जो नंबर ऑफ ऑप्शन है वो काफी ज्यादा लिमिटेड नजर आ रहे हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आपके हिसाब से आईपीएल 2020 का श्रीलंका में कराया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।